हेलो एवरीवन। सो आज आम एटी करा जाऊँ ओपीएससी जूनियर आसीस्टेंट क्वेश्चन 2019 मसीह एग्जाम आसाला। सो चलो स्टार्ट करवा। क्वेश्चन नंबर वन कौन टी डिफरेंट टाइप क्वेश्चन एटी अच्छी डिफरेंट टाइप मैंने प्रथम क्वेश्चन एटी पावर पॉइंट रही। यूजुअली ओपीएससी फेवरेट सेक्शन पावर पॉइंट स्टार्टिंग दबाटा एएस टाइम भी सेमती ही था एटी भी सेमती ही अच्छी तो कितु फर्माट टी डिफरेंट देती कौन फर्माट देती तुम मुझे ओपन करदे इनस्ट्रक्शन टी देखा इनस्ट्रक्शन किसी कही नो नो इनस्ट्रक्शन इनस्ट्रक्शन मैंने सैट रे ही कहो एक्जाम हल रे ही कह तो आम कम हो कम सारद आग पावर पॉइंट मुझे ओपन करुँ पावर पॉइंट ओपन होगा मुझे ब्लांक ब्लांक स्लाइड ओपन करुँ बाय डिफॉल्ट मत टाइटल आउ सब टाइटल वाला सेक्शन आस जाऊँगी टाइटल सब टाइटल पर मुझे कौन करी मुझे या देखीदेवी ये क्वेश्चन कहूँ क्रिएट एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर ए टीचर टू प्रेजेंट इन हिज क्लास अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तमें ये क्वेश्चन 2019 जेहतु से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आसाला जोटा कि आमर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आसाला कही द प्रेजेंटेशन सुड कंटेन एटलिस्ट 5 स्लाइड्स अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इंट्रोडक्शन इट्स मीनिंग हाउ इट इंपैक्ट एंड इट्स इम्प्लिकेशन द टेक्स्ट यू वुड यूज तो इतनी जगह कौन कहला से इंस्ट्रक्शन देदेला हम कौन टाइप करिवार अछि देन द टेक्स्ट यू वुड यूज सुड अपीयर फ्लाइंग इन व्हाइट स्लाइड शो माने एडी से कौन करछि टेक्स्ट को आमे जहां भी यूज करिवा से कहछि फ्लाइंग इन स्लाइड शो रे माने से एनिमेशन कथा कहछि राइट ट्रांजिशन कथा कहिले एनिमेशन कथा कहि माने टेक्स्ट कहला माने एनिमेशन लागियो जदी स्लाइड कहथन त ट्रांजिशन लागिथन आई होप समस्त बुझी परथबे ट्रांजिशन और एनिमेशन कथा देन यू कैन इनसर्ट एनी वीडियो क्लिप एज पर योर चॉइस किसी वीडियो क्लिप चॉइस रे ऐड करिया को पड़िबो एटा गोटे वेक सेक्शन देछि कने वीडियो क्लिप आसीबो कोठु ए क्वेश्चन से केमती फॉर्मेट करछन्दि समाने ही जानि परिबे आ कई दिन सब क्लैरिटी देई परिबे यू शुड इनसर्ट ए थैंक यू ऑन द लास्ट स्लाइड तबे हम कोन करिबा पांचटा स्लाइड बनाया पई से कहिछि तो चलो आ पांचटा स्लाइड बनाई देबा बेटर होबो तो हम एठी पांच नंबर स्लाइड बनाई देले पांचटा स्लाइड रे हम लास्ट स्लाइड रे थैंक यू ऐड कर देबा से सॉर्ट उठि के स्टार्ट करिबा कने एटा जानि को इजी होछि एठी राइट थैंक यू ये मुड करुँ थैंक यू ऐड कली थैंक यू ऐड करदे ये देन आम आसवा क्वेश्चन को सी कौन कही सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कही आक्ट कही तो जहाँ जी कही आमको फोकस करा पड़ो आम ये कौन कले ये बड़ भी कही सीए भी आम एम लिखिपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आक्ट ब्राकेट सीए भी लिखिपर जहाँ भी आमको जमी सुविधा है हेडिंग लिखापी हेडिंग लिखीदे नेक्स्ट कौन कहला इन दिस क्लास अबाउट दो इटा कला देन इंट्रोडक्शन गोटे पेज रोज फाइव स्लाइड्स अबाउट सी भी दुई तीन चार पाँच तमें सी भी आ इंट्रोडक्शन गोटे जगह रहा है इंट्रोडक्शन आम ये कौन लिखा ए बिल रिगार्डिंग सिटीजनशिप एमती किसी लिख ली इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल करके सेकेंड स्लाइड को जी देन कहला इंट्रोडक्शन पर मीनिंग लिखा इट्स मीनिंग राइट तापर आम ये आमको लेट से ये किसी जाना ना एमती किसी टॉपिक आसा जाना ना विषय करवा कौन तो गोटे भल मेथड अच्छे आम गोटे जनरल व्यू पॉइंट ना जनरल व्यू पॉइंट कहे कौन आम मेन थे सिटीजन अमेंडमेंट बिल आसला कौन पर्टिकुलर आम लेट से मोर मन अच्छे मुझे छटा रिलीजन को दिजाव इंडिया सिटीजनशिप आउ तीन टा कंट्री स्पेसीफिक अच्छे आम मन ना कौ कंट्री कौ रिलीजन जो मन ना आम करवा हाँ ये आम कर दिस बिल इंटेंडेड to give citizenship to specific Sikh community from three different countries. एति जिन समय इंट्रोडक्शन लिखि परबा एति की भी लिखि परबा केसे से मैंडेटरी कोइ ना तो तापर हम ऐड करि परबा तापर अलग भी जिन सको ताको बड़ सान करके हम जन सजाय कथा सजाबा सी कौन कहते कि सजेपी कहते मैंने जमीक मुझे ये करुचे या सान बड़ कर चाहेबी तो बड़ सान कर लास्ट से कहते वीडियो को आड कर बोली वीडियो आड कले कौन हम जिनटा सुंदर देखा देखापी ओके तीन नंबर स्लाइड कौन कहला तीन नंबर स्लाइड कहे इट्स मीनिंग आम इंट्रोडक्शन लिखीद मीनिंग लिखी दे हाउ इट इंपैक्ट्स एंड इट्स इम्प्लिकेशन इंपैक्ट लिखा आम इंपैक्ट में आमको जाक पड़ो कौटी इनसर्ट को जाक पड़ो रईट इंपैक्ट को जाक पड़ो हाँ इंपैक्टा हूँ हाँ इंपैक्टा हूँ कौन देख इंपैक्ट आम कह इट विल अफेक्ट लाइफ्स ऑफ मेनी पीपल रिसाइडिंग अराउंड द इंडियन बॉर्डर इंडियन बॉर्डर
सिंस ए लॉन्ग पीरियड जहाँ माइंड को आसला जमी मैम गप लिखिपर राइट इट विल मेक देम मैंड हाँ मैंडेटरी टू प्रोड्यूस ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग देयर सिटीजनशिप एंड दे हैव टू प्रूफ देमसेल्व्स एमती किसी गोटे एड कले गोटे भूल होगा राइट क्लिक मुझे डॉक्यूमेंट से एड करदे ये लाइफ भी किसी भूल हो राइट लाइफ से हेबा एक्चुअली प्लूरल फॉर्म रे तो मुझे ये करदे तार इंपैक्ट है राइट इम्प्लिकेशंस इंपैक्ट है हाँ आपको कौन कर ये इंपैक्ट हम देन इम्प्लिकेशंस कौन हम इम्प्लिकेशंस गोटे स्लाइड एड कर इम्प्लिकेशंस कौन हम ये आम इंटरनल डिस्टर्बेंस बढ़ो कहीं से जो जगार लोक थे अलग लोक देदेबा बाहर लोक सिटीजनशिप दिगला तेल जो मैंने थे भितर प्रोब्लम करेंगे जितकी मन पड़ा कौन बेसिकली मुझे किसी फैक्स लिखुनि गोटे पॉइंट ही फैक्ट लिखे मुझे पढ़ी से 2019 टाइम जहाँ तो ये कौन कह इट विल क्रिएट इंटरनल डिस्टर्बेंस बिटवीन द लोकल्स एंड द न्यूली असाइंड सिटीजन ऑफ इंडिया बट it will not it will not be a major problem because already the immigrants am likhi pariba immigrants were residing last few years एतिक लिखिक आम बनैले दीदी लाइन लिखीद गोटे बेसिक दीदी लाइन आमको लिखा पड़ो टाइम आम स्टार्ट कले 10-12 मिनट नौ कहीं लेखाटा ही से मेन मागिच ये कंटेन्टर मेन थीम से लेखा मागिंट लेखा सांगे बेसिक किसी एडिटिंग मागिंट तो मैं आपको टे बड़ करदे कंट्रोल जे करदे देखा सुविधा देखा मेन थीम थी पिक्चर आर्ड करने पिक्चर जब आर्ड न करपर एमती आम नर्माल भी छाड़पर लिखापी सुविधा हे तो मुझे तथा पिक्चर गोटे आर्ड करदेवी हाँ द टेक्स्ट यू यूज हाँ ये आसवा होगा कम आम The text you would use should appear flying in when the slide show. Slide show flying in हबार अच्छे text गुड़ा मुझे ठीक आसली तपर मुझे animation को जी animation flying in रोज फ्लाई इन यहाँ रोचे right? तो मैं कौन कहली कंट्रोल ए करदे ये फ्लाय इन करदे ओके सब गुड़ाक आराम से कंट्रोल ए फ्लाय इन जब मुझे सब सिलेक्ट करदे भी मुझे डायरेक्टली भी फ्लाय इन करें ना यहाँ नौने डायरेक्टली स्लाइड सिलेक्ट कले नौने नाला ट्राए कले जिन ओके तो आम सब गुडा फ्लाइन करदे फ्लाइन पर कौन कहला हाँ जैक यू कैन इनसर्ट एनी वीडियो क्लिप आज पर योर चॉइस यू शुड इनसर्ट लास्ट स्लाइड तो वीडियो क्लिप जब आड कर वीडियो क्लिप कमी आड करपर ये इनसर्ट को जापर इनसर्ट में आम कौन करीडियो क्लीप ये अच्छे ओके ये अनलाइन वीडियो को मुझे अनलाइन वीडियो में कौन करी ये लिखिपर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ओके तो ठीक इंटरनेट स्पीड थे कौन हम जिन मत सांगे देखेदेव तर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यू कुड नॉट रिकॉग्नाइज द एड्रेस यू एंटर द एड्रेस फॉर द ऑनलाइन वीडियो ऑनलाइन वीडियो से एड्रेस कौन बट ये आम चाहिए डायरेक्टली डाउनलोडेड फॉर्मेट रे भी करपर तो यू आम वीडियो पड़ी वीडियो पढ़ाटा कौटना कौटी मैंने आम कहीपर जे प्रपर गोटे फर्माट बनि कहीं से अनलाइन सिस्टम रेडी थी अच्छी जदि भी रेडी थी तेल एमती करपर भिडस है ये कौन करी भिड सेक्शन आसला भिड सेक्शन में मतलब खाली टाइप करार अच्छे मे भी ये गला स्टक् होगला ओके अमेंडमेंट बिल आसुनी वीडियो आसुनी डायरेक्टली सर्च कले तो आम पर भी आड करपर तो ये थोड़ा क्वेश्चन और किसी कहीन कंट्रोल एस मुझे कंट्रोल एस सेव करने सेव ऑप्शन को जी ब्राउज को ये मुझे ब्राउज आसली ब्राउज आसला पर हाँ मुझे सेव करदेवी कौटी डेस्कटप्रे सेव करदेवी मुझे कौन क्वेश्चन नंबर वन करेव करदे गला क्वेश्चन नंबर वन कम कंप्लीट एम आस क्वेश्चन नंबर टू को आसवा क्वेश्चन नंबर टू कौन द टाइप द फॉलोइंग पैराग्राफ करेक्टली फॉलोइंग पैराग्राफ करेक्टली मुझे ये समय टाइप नौनी अलरेडी मो पाखे टाइपिंग होकर रेडी अच्छी मुझे ओपन करदे रईट
ବାକି ସେ ଟାଇପିଂ ପାଇଁ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଏଠି ଦେଇଛି, ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ବି ଲାଗିବନି, ଯେହେତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଓପିଏସ୍ରେ ଟିକେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହାଇ ରହୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇକି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହାଇ ରହୁ ନ ରହୁ ସେ ଟାଇମିଂକୁ ଟିକେ ଲେନ୍ଦି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୋର କିଛି ଫର୍ମାଟିଂ ଗୋଟେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ମୁଁ ଫର୍ମାଟିଂ ଆଉ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଲି। ଯଦି ଜଣେ ଟାଇପ୍ କରିବ ଏମିତି ହିଁ ଟାଇପ୍ କରିବ, ଏମିତି ଟାଇପ୍ ହେବ, ତ ଟାଇପ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଆସିବା। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ କହୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ କହୁଛି, ଫର୍ମାଟ୍ ଦ ଟାଇପ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମେଜର୍ଡ, ଆପ୍ଲାଏ 16 ପଏଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଫଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ୱିଥ୍ ବୋଲ୍ଡ ଇଟାଲିକ୍ ଫର୍ ହେଡିଂ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ ଇଟ୍ସ, ରାଇଟ୍। ତାମାନେ ଆମେ 16 ପଏଣ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ୍କୁ ରଖିଦେଲେ ଏଠି, ଏଠି 11 ଅଛି, 16 କରିଦେଲେ, ଆକୁ ମୁଁ ଏଠି କାଟିଦେଉଛି, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ କହିଛି କି ଦେଖୁଛି, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଏଇଟା ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଦ ନେଟୱାର୍କ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନେଟୱାର୍କ, ୟାକୁ ମୁଁ ଏଠି 16 କରିଦେଉଛି, 16 କରିଦେଲି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା, ୱିଥ୍ ବୋଲ୍ଡ ଇଟାଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଫର୍ ହେଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ ଇଟ୍ସ, ଇଟାଲିକ୍ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍, ଆଉ ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ କହିଛେ, ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ ହବ ଏଇଟା, ହେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନେଟୱାର୍କ, ହଁ, ଦେନ୍ 16 ଫଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ୱିଥ୍ ବୋଲ୍ଡ ଇଟାଲିକ୍ ଫର୍ ହେଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ ଇଟ୍, ଆପ୍ଲାଏ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ସ୍ପେସିଂ ଆଫ୍ଟର 12 ପଏଣ୍ଟ ଫର୍ ଅଲ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ୍, ରାଇଟ୍। ସବୁ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ରେ ଆମକୁ ରଖିବାର ଅଛି କ'ଣ, ସ୍ପେସିଂ ରଖିବାର ଅଛି, ମୋତେ ଏଠି କେଉଁଠି ଆସିବାର ଅଛି, ଲେଆଉଟ୍କୁ ଆସିବାର ଅଛି, ଏଇଠି ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ସ୍ପେସିଂ ଦେଖୁଛ, ଆଫ୍ଟର କହିଛି, ଆଫ୍ଟର କହିଛି, ଏଠି ମୋତେ 12 ପକେଇଦେବାର ଅଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକରେ 12 12 ପକେଇଦେବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ 3 ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ରହୁଛି ଏଠି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଆସୁଛି ଆସୁଛି, କେତେଟା ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଏଠି ଅଛି ଆମର, 2 ହିଁ ଅଛି ନା, 3 ଅଛି, ଏଥିରେ କହିଛି କି ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଅଛି, ପାରାଗ୍ରାଫ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ଏଠି ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି, ପସିବୁଲ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି, ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଏହାର ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଆମକୁ 12 ପଏଣ୍ଟକୁ କରିବାର ଅଛି। ସ୍ପେସ୍ ସ୍ପେସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଦେଖ 2 ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଭିତରେ ସ୍ପେସ୍ କେତେ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ୍, ଏଇ 2 ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ହେଉଛି କେତେ ପଏଣ୍ଟର ସ୍ପେସ୍, ମୁଁ ଯଦି ଆକୁ 12 ପଏଣ୍ଟ ରଖିବି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, 25 ପଏଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଗ୍ୟାପ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ହେଲା, ଏଇଠି ହିଁ ସେ କହୁଛି 12 ପଏଣ୍ଟ ଆମକୁ ଗ୍ୟାପ୍ ରଖିବାର ଅଛି। ଜାଣିବା କେମିତି, ଉପରେ ସ୍ପେସିଂ ଦେଖାଉଛି, ସ୍ପେସିଂରେ ବିଫୋର୍ ଆଉ ଆଫ୍ଟର ସୋ କରୁଛି, ବିଫୋର୍ଟା ମାନେ ଉପରକୁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ, ନାଇଁ ବିଫୋର୍ ମାନେ ଏଇଠି, ଏଇ ଜାଗାଟା ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ନାଇଁ ବିଫୋର୍ ପକେଇଦେଲା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ସେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସେଇ ଖସେଇ ଦେବ, ଆଫ୍ଟର ମାନେ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ରେ ଏଣ୍ଡିଂ କର କଥା ସେ କହୁଛି, ହଁ ନା, ଯେଉଁଠି ପକେଇଲେ ବି ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ବି ପକେଇବି ଏବେ ଆଫ୍ଟରକୁ, ଯଦି ମୁଁ ଏଠି 15 କରୁଛି, ଆଫ୍ଟରକୁ ମୁଁ ଯଦି 15 କରୁଛି, ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ଆସିବ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ହିଁ ବିଫୋର୍ଟା ଆସିବ, ଆଫ୍ଟରଟା ସବୁବେଳେ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ର ଏଣ୍ଡିଂ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ର ହିଁ ବିଫୋର୍ ରହିବ, ଆଉ କାହାର ବିଫୋର୍ ଏଠି ରହିବ, ହଲୋ, ସେତିକି ଜିନିଷ ହେଇଗଲ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଏଠି, ଆପ୍ଲାଏ ଦ ଲାଇନ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ 1.5 ଲାଇନ୍ସ ଫର୍ ଥାର୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟିଫାଏ, ଆପ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଲାଇନ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ 1.5 ଲାଇନ୍ସ ଫର୍ ଥାର୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ଼, ମାନେ ଲାଇନ୍ ସ୍ପେସିଂ କଥା କହିଲା ଏଠି, ରାଇଟ୍। ମୁଁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କଲିଛି, ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ହୋମ୍କୁ ଗଲି, ହୋମ୍କୁ ଯାଇକି ମୋତେ ଏଠି 1.5 ଆସିବାର ଅଛି, 1.5 ଏଇଟା 1.5 ଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ କହିଛି, 1.5 ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ଏଠି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବାର ଅଛି, ଜଷ୍ଟିଫାଏ ପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯିବି, ଏଇଠିକି ଯିବି ଜଷ୍ଟିଫାଏରେ, ଏଠି ଜଷ୍ଟିଫାଏ ହେଇଗଲା। ଜଷ୍ଟିଫାଏ ପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲା, ଇନସର୍ଟ ଏ ଫୁଟ୍ ନୋଟ୍ ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କନେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ୱିଦାଉଟ୍ କେବୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ୍, ଏଇଠି ହେଲା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ପାରାଗ୍ରାଫ୍ରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହେଇନି, ରାଇଟ୍। ସେ କ'ଣ କେମିତି ବନା ହେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି, ଥରେ ତ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା ମାର୍କେଟକୁ, ରାଇଟ୍। ହଁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଉଛୁ, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ କରାଉଛୁ, ସେଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍, ବଟ୍ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବା କଥା ନୁହଁ, ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବା, ତା'ପରେ ଆମେ ନିଜେ କରିବା ତାକୁ। ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଲେଟ୍ସ ଏଠି ବିଲ୍ଡିଂକୁ ବନାଉଛି, ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଉଛି, ବିଲ୍ଡିଂ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେ ଆକୁ ଆମକୁ ଫୁଟ୍ ନୋଟ୍ ଆଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି, କରେକ୍ଟ, ଫୁଟ୍ ନୋଟ୍ ଆଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି। ଫୁଟ୍ ନୋଟ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିବାର ଅଛି, ଫୁଟ୍ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିବାର ଅଛି, ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କନେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଅର୍ ୱିଦାଉଟ୍ କେବୁଲ୍, ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, ବିଲ୍ଡିଂରେ ଯେଉଁଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ରେଫରେନ୍ସକୁ ଯିବି, ରେଫରେନ୍ସକୁ ଯାଇକି ଇନସର୍ଟ ଫୁଟ୍ ନୋଟ୍ କରିବି, ଫୁଟ୍ ନୋଟ୍ ମାନେ ସେ ତଳକୁ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ଆସିଗଲା, ରାଇଟ୍। ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କନେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଅର୍ ୱିଦାଉଟ୍ କେବୁଲ୍, ଏତିକି ଥିଲା, ରାଇଟ୍, ହେଇଗଲା ଫୁଟ୍ ନୋଟ୍, ଫୁଟ୍ ନୋଟ୍ ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏତିକି ମୁଁ ବେସିକ୍ ମାନିକି ଚାଲୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଟ୍ ନୋଟ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଏ ବିଷୟରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିବ, ଏମ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡ଼ର ସେତିକି ବେସିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିବା କାହା ପାଖକୁ, ହଁ, ଫର୍ ଦ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଗଲା, ଇନସର୍ଟ କ୍ରସ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଫର୍ ଦ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ୱିଥ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଫୁଟ୍ ନୋଟ୍ ନମ୍ବର ଫର୍ମାଟେଡ଼, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା କହିଲା କ୍ରସ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା। କ୍ରସ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଆମେ କେମିତି କରିବା, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ରେ ପୁଣି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କଥା କହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ରେ ମୁଁ ନେଟୱାର୍କକୁ ଲେଟ୍ସ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କଲି, ଓକେ, ନେଟୱାର୍କ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କର୍ସର୍ ରଖୁଛି। ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କଲି, ଏଠି ଦେଖ,
कंट्रोल यू यू रे क्रॉस रेफरेंस को आसुच्छे ये क्रॉस रेफरेन्स से कौन तुम क्या रेफरेन्स टाइप देवाक चाहो मुझे ये फुटनोट को देखा रईट जदि मुझ फुटनोट को रेफरेन्स देवाक चाहूँ तेल जन जानव कमी जड़े जानव कमी कौ जगह को रेफर करुँच तो ये से फर्माटा ये रेफरेन्स केमिया से अप्सन दे देना फुटनोट नंबर फर्माट ये अप्सन टाइम मेनसन करदे यही मत आड करवा कथ रईट तुम ये कौन करी इनसर्ट करदेली रईट इनसर्ट करदेली ये पलि आसला वन तमें ये जो वाटा यहाँ फुटनोट नुह यहाँ हूँ कौन क्रॉस रेफरेन्स क्रॉस रेफरेन्स यूज हो तो कौन मैंने देख ये मुझे डबल क्लिक करी से मत ये पलि आ कोटी फुटनोट को नहीं आसला जब क्रॉस रेफरेन्स मुझे डबल क्लिक करी क्रॉस रेफरेन्स डबल क्लिक होने मुझे चेक करनी डबल क्लिक होने खाली क्लिकेबल हो पड़े क्रॉस रेफरेन्स क्लिकेबल कमी आपको जब नौ कंट्रोल क्लिक करी से हैंड ऑप्शन पड़े आसला तो मुझे जब क्लिक करी से मतलब कौटी नब ये नहीं गल देख कसर ये पड़े आसला बै डिफल्ट बुझे हाइपरलिंक है तो ये हाइपरलिंक नदी से आस ना आम उपरक नहीं जाता से जिन ओके आस तो यहाँ थी कौन बेसिक जिनस आम या देखे आसवि से कंटेन्ट पढ़ी यहाँ मोर पीआई क्यू चलो क्रॉस रेफरेन्स मुझे कंटेन्ट कवर करी ओके तो मुझे पीआई क्यू जो करती बेस मानिक चलती कंटेन्ट जहाँ अच्छे से विशेष मुझे करूँ बाकी रहा कंटेन्ट को आगे देखा ओके तो इनसर्ट क्रॉस रेफरेन्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड फॉर द सेकंड पैराग्राफ विद फर्स्ट पैराग्राफ फुटनोट नंबर गला इनसर्ट ए क्लिक पार्ट राइट साइड ऑफ द सेकंड पैराग्राफ सेट द टेक्स्ट रैपिंग स्क्वायर एंड इनसर्ट कैप्शन बिलो क्लिक पार्ट फिगर वन क्लिक पार्ट पिक्चर फ्रॉम रेफरेन्स माने ये कहला रेफरेन्स सेक्शन रु तुमको गोटे क्लिक पार्ट आड करा पड़ो जोटा कि राइट साइड में रोज सेकंड पैराग्राफ और टेक्स्ट रैपिंग कौन हम स्क्वायर हम क्या चार्ट ऑप्शन ये पकईदे ओके पुणी सर कैप्शन आड करा पड़ेगा तो कौन करवा सेकंड पैराग्राफ यहाँ सेकंड पैराग्राफ सेक्शन में कौन करी इनसर्ट को जी क्लिक पार्ट तुम पाखे ना तो मुझे कौन करी ऑनलाइन पिक्चर को सर्च कली ऑनलाइन पिक्चर में जहाँ भी क्लिक पार्ट ये ऑनलाइन एमती गोटे पिक्चर सेक्शन आसो मुझे क्लिक पार्ट सर्च करुँ क्लिक पार्ट सर्च करी जहाँ भी क्लिक पार्ट आसो हाँ स्टॉप चलिए जहाँ भी क्लिक पार्ट आसो हाँ ये यहाँ क्लिक पार्ट को आड करुँ आसला क्लिक पार्ट पिक्चरटा आड हम ये जो पिक्चरटा आड है प्रोब्लेम कौन हम तार मतलब रैपिंग करा पड़ो मैंने लेखा ऊपर हे ना लेखा साइड रे हे ना सी जुआड़े जीव लेखा सियाड़े सैज हो तो मत देखा पड़ो तापर आम देखी बुक रे कौन हुए गोटे पिक्चर तले किसी लेखा आसे हुए सेमती पिक्चर तले लेखा आसे तो से लेखाटा आम कमी आड करा फिगर वन फिगर टू से जो लेखाटा आम कमी आड करा से रईट कौटे आम रेफरेन्स टाइप हो पार ओके डाउनलोड में एत टाइम लगुच लगे कथ नुह ओके आसगल है यहाँ आसगला पिक्चर तो ये कौन से तौक पड़े आसा मतलब से कहे सैड्रे रखापे रईट सैड्रे रखापे कहे तो मुझे कौन करी रैप टेक्स्ट को आसली रैप टेक्स्ट ये स्क्वायर देखा ये देख स्क्वायर देखा कर्स रखिले हो स्क्वायर आसगला तो देख ए पिक्चर को जुआड़े नेबी से लेखा सैड सैड होमती यही जिनसा हो पारे नहीं बहुत जन वार्ड में कम करें क्या कहु गोटे पिक्चर आड करने से ठीक से करें यहाँ आसगला रईट सैड्रे एबे कहूँ या उपर मत कौन करड कर सैटेसन आड कर इनसर्ट को आसली इनसर्ट को ना रेफरेन्स को आसली रेफरेन्स को आसिक मुझे इनसर्ट कैप्शन कहे सैटेसन कैप्शन कहे कैप्शन को आसली फिगर वन पर कौन गोटे आड करने कही फिगर वन क्लिप आर्ट पिक्चर फिगर वन क्लिप आर्ट पिक्चर एड होगा फिगर वन क्लिप आर्ट पिक्चर एगुड़ा ही कथ है ना बहुत बुक ये थाए तो आम जमी कल करते करदे आपको गोटे एंटर लगे भी आराम से तौक खसीगला हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन इतनी ही कहला सरला क्वेश्चन एथर आज कि ना दस मार्क क्वेश्चन कम्प्लीट हो गला दस टेन मिनिट्स भितर हो गला क्वेश्चन टीके टाइम लगे गोटे थोड़ा जिनस फास्ट टाइम पढ़ले जेहतु मुझे जिन क्वेश्चन को लेकिन आसो तो मुझे क्वेश्चन थोड़ा देखी तो मत जी टाइम लगुच यूजुअली कैंडिडेट मानक पाँच दस मिनट एक्सट्रा लगे मुझे जब कैंडिडेट हिसाब से फास्ट टाइम क्वेश्चन करता मतलब टेन मिनिट्स कि फाइव मिनिट्स एक्सट्रा लगी था ओके तो सहीटा हूँ बेसिक जिनस तो मुझे आसली अलरेडी सेव व्हाट इज नेटवर्क सेव हो मुझे फाइल को आसली सेवास को जी मुझे गोटे जगह तक सेव करी क्वेश्चन नंबर टू करके सेव कर लाइन को आसे ना से लाइन प्राक्ट प्राक्ट सब जिनस मुझे आसली क्वेश्चन नंबर थ्री को आसवा क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर टू मुझे सेव करदे क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू सेव हो तापर आम क्वेश्चन नंबर थ्री को आसवा क्वेश्चन नंबर थ्री कौन गोटे देख ओपन एम एस एक्सेल टू ए ब्लांक वर्कशीट अच्छा वर्कशीट एंड क्रिएट ए स्प्रेडशीट लाइक द वन बिलो बिलो मैंने गोटे स्प्रेडशीट पिक्चर देती से पिक्चर हिसाब से कम करवा देखो यहाँ हूँ गोटे स्प्रेडशीट
ତମେ କ'ଣ କରିବେ ଏତେ ଡାଟା ଇଏ ନ କରିକି ମୁଁ ଆକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଏଇ ବେସିସ୍ରେ ମୁଁ କାମ କରିଦେବି ଆକୁ। କେତେ ଟାଇପ୍ ଟାଇପ୍ ତ ନିଜକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠି। ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ କ୍ୱିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଜିନିଷ କରିଦେଉଛି, କାହିଁକି କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷଟା ସୁବିଧା ହେବ। ସେ ବି ମେସ୍ କରିନେଉଛି ଟିକେ। ଏବେ ଏକ୍ସେଲ୍ ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଫର୍ମାଟ୍ ହେଉଛି, ପିକ୍ଚର ଫିକ୍ଚର ଯାହା ବି ଥିବ ସେ ଫର୍ମାଟ୍ରୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ନେଇଯିବ, ରାଇଟ୍। ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଏକ୍ସେଲ୍ ବନେଇଥିଲି କି ନା, ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା କାଲି ହେଇଥିଲା, କାଲି ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କରାହେଇଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହେଉଛି, ତମେ ଏଠି କେଉଁଠିକି ଯିବି ଡାଟା ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଡାଟାରୁ ମୁଁ ପିକ୍ଚରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଜିନିଷକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ପିକ୍ଚର କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ତେବେ ଆମେ ଯିବା କେଉଁଠିକି, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯିବା। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପିକ୍ଚର ଥିଲା, ରାଇଟ୍। ଏଇଟା ସେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ରେ ହେବନି, ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଇଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏ ଆସିବ, ସେ ତାକୁ ନେବ, ସେ ପିକ୍ଚରକୁ ସେ ନେବ, ପିକ୍ଚରରେ କ'ଣ ଡାଟା ଅଛି ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ସେ ଏକ୍ସେଲ୍ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯାହା ବି ଏରର୍ ଆସିବ ସେ ସୋ କରିଦେବ। ଯଦି କେହି କେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସେଲ୍ କାମ, ତ ଏଇଠି ଦେଖ କିଛି ଏରର୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆସିଲାନି, ଇନସର୍ଟ ଡାଟା ପଡ଼ିଗଲା, ଇନସର୍ଟ ଡାଟା, ଏଇଟା ହିଁ ଡାଟା ଆମର। ଚାରିଟା ଚାରି ଆଇଟମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ରିକ୍ୱାର୍ ରିଭ୍ୟୁ, ରିଭ୍ୟୁ ଆମର ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ। ରିଭ୍ୟୁରେ ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କି, କେମିତିଆ ଥିଲା ସେଇଟା ଖାଲି ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆକୁ ତ ଆମର କିଛି ଏବେ କାମ ନାହିଁ, ଆକୁ କାଟିଦେବା, ସେଭ୍ କରିଦେବା। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଏ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ଅଛି, କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଡଟ୍ଟେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏକ୍ସ, ଏଇଠୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭି ହେବ ବୋଧେ, ହେଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଥିଲା। 11 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କି, 11 ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛି, ହେଲା। ଏଇଠି ମେରେ ଖାଲି ଡଟ୍ ଟେକ୍ସଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି ସମୟ ଟାଇପ୍ ତ ବେସିକାଲି ଜଣକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଚେଞ୍ଜ ଦ ଫର୍ମାଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ନମ୍ବର୍ସ ଟୁ ଡଲାର, ରାଇଟ୍। ଏ ନମ୍ବରକୁ ଆମକୁ ଡଲାରରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତେବେ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯିବି, ହୋମ୍କୁ ଯିବି, ହୋମ୍ରେ ଯାଇକି ଏଠି ଡଲାର ଅପ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ହେଲେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି, ଆସିଗଲ। ଡେସିମାଲ୍ଟା ଥିଲେ ଚଳିବ, ନଥିଲେ ଚଳିବ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ହଟେଇ ବି ଦେଇପାରିବା। କିଛି ଏବେ ପାଇଁ ତ ମାଗିନି ଡେସିମାଲ୍, ତ ଡେସିମାଲ୍ ଆମେ ହଟେଇଦେବା, ହେଇଗଲା। ଡଲାର କେମିତି ହେଲା, ସିଲେକ୍ଟ କଲେ, ସିଲେକ୍ଟ କରି ଖାଲି ଡଲାରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ବନିଯିବ ଜିନିଷ, ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ମେକ୍ ଦ ଗ୍ରିଡ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ସେଲ୍ସ ଭିଜିବୁଲ। ତ ଗ୍ରିଡ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ଅଲରେଡ଼ି ଗ୍ରିଡ୍ ଭିଜିବୁଲ ହେଇକି ଅଛି, ଓକେ, ଗ୍ରିଡ୍ ଭିଜିବୁଲ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରିଡ୍ ଭିଜିବିଲିଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଠି ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖ, ଏଠି ଗ୍ରିଡ୍ ସୋ କରୁନି, ପ୍ରିଣ୍ଟରେ, ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଗ୍ରିଡ୍ ସୋ କରିବନି, ଗ୍ରିଡ୍ ଗୁଡ଼ା କେବଳ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ସେଲ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତା କାମ ସେଇଆ, ଗ୍ରିଡ଼ର କାମ ସେଇଆ। ତ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି, ତାହେଲେ ଗ୍ରିଡ଼ କ'ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି, ଆମେ ଭ୍ୟୁକୁ ଗଲେ, ଭ୍ୟୁରେ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଗ୍ରିଡ଼ ଲାଇନ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ହଟେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖ ଏଠି ଗ୍ରିଡ଼ ଦେଖାଯାଉନି, ଦେଖାଗଲା କି ନାହିଁ, ଏବେ ଆସିଗଲା, ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିହେଉଛି ତ ଗ୍ରିଡ଼ର। ଏଠି ମୁଁ ଯାହା କ୍ଲିକ୍ କଲି ସେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗ୍ରିଡ଼ ଲାଇନ୍ ଭିଜିବୁଲ। ତ ଗ୍ରିଡ଼ ଲାଇନ୍ ଭିଜିବୁଲ ପାଇଁ କହିଛି, ଏଇଟା କେତେ ଚେକ୍ ପାଇଁ କେତେ ସୁବିଧା ହେବ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ଇନସର୍ଟ ଦ ଟାଇଟଲ୍ ମନ୍ଥଲି ବଜେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଜିଟ୍, ରାଇଟ୍। ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି ଏଠି ଉପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇଟେଲ୍ ଲଗା, ମୁଁ ଟାଇଟେଲ୍ କରିବି, ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଇନସର୍ଟ କରୁଛି, ରାଇଟ୍। ଇନସର୍ଟ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆଗ ମର୍ଜ କରିଦେବି ଏତିକି ସେକ୍ସନ୍କୁ, କି ମୋତେ ହଁ ଏତିକି ସେକ୍ସନ୍କୁ ଆଗ ମର୍ଜ କରିଦେବି, ଯେତିକି ସେକ୍ସନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍। ମନ୍ଥଲି ବଜେଟ୍ କହିଛି ନା, ରାଇଟ୍। ମୁଁ ହୋମ୍ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯିବି, ହୋମ୍ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଏଠି ମର୍ଜ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ କରିଦେଉଛି, କ'ଣ କହିଲ, କ'ଣ ଟାଇଟେଲ୍ କହିଛି, ମନ୍ଥଲି ବଜେଟ୍, ମନ୍ଥଲି ବଜେଟ୍, ମନ୍ଥଲି ବଜେଟ୍ କହିଲା। ଦେନ୍ ୟାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ କହିଛି, ସେଣ୍ଟର ଆଉ ମର୍ଜିଟ୍ କହିଦେଲା। 18 ସାଇଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ଏରିଆଲ୍ କରିବାର ଅଛି ଫଣ୍ଟ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏ, ତାକୁ ଏଠି 18 କରିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ତାକୁ ଏଠି ଏରିଆଲ୍ କରିବାର ଅଛି, ହେଇଗଲା ଏରିଆଲ୍। ତଳକୁ ପକାଇଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଟିଂ ନେଇଯିବ ତା'ର। ଦେନ୍ ମେକ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଦ ବ୍ଲାକ୍, ଏ ଟେକ୍ସଟକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ କରିଦେବି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କିଛି ଦେଖାଯିବନି, ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରଟାକୁ ମୁଁ ଯଦି ବ୍ଲାକ୍ କରିଦେବି, ଜିନିଷଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇକି ଫୁଟିକି ଆସିବ, ଆସିଲା। ମନ୍ଥଲି ବଜେଟ୍ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଲା, ନେକ୍ସଟ କହିଲା ଇନସର୍ଟ ଦ ସବ୍ ଟାଇଟେଲ୍ ଜାନୁଆରୀ 2005 ଜୁନ୍ 2005। ସବ୍ ଟାଇଟେଲ୍ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ କହିଛି, ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ରୋ ଆଡ଼୍ କରିବି ଉପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରୋ ଉପରେ ଆଡ଼୍ କଲି ଇନସର୍ଟକୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ରୋଟା ଆଡ଼୍ ହେଲା, ସେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଉପର ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସେ ରୋଟା ନେଇଗଲା, ଉପର ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସେ ରୋଟା ନେଇଗଲା। ତ ମୋତେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବାର, ସେ ମର୍ଜ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଆକୁ ଧରିନିଅ, ଏଠି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆକୁ କ୍ଲିଅର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଫର୍ମାଟିଂ କ୍ଲିଅର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କ୍ଲିଅର୍ ଫର୍ମାଟିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିଲି, କ୍ଲିଅର୍ ଫର୍ମାଟ୍ସ, ହେଲା। ଏମିତି ହିଁ ଥିବ ନା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ତ ଏମିତି ଆସିବ। ତ ଏବେ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ଆକୁ ସେଣ୍ଟର କର, ଇଏ କର ବୋଲି, ସେଣ୍ଟର କରିକି ମର୍ଜ କର ବୋଲି। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଏଠାକୁ ମର୍ଜ କରିଦେଲି, ଦେଖ ମର୍ଜ କଲା ପରେ କ'ଣ କହିଛି, ଜାନୁଆରୀ 2005 ଜୁନ୍ 2005, ଜାନୁଆରୀ
जनवरी 2005 जून 2005 तापर कोन कहला चेंज द फॉन्ट टू एरियल इन 10 एटी मु कोन करछु सेम फॉर्मेट थिला एटी केते कहिछ 10 कहिछ जनवरी 2005 टू जून ता कोन कहला मेक द टेक्स्ट व्हाइट एंड फिल ब्लैक सेंटर एंड मर्ज इट सेम सेम कथा ही कहिछ सेम जिनस गुडा कहिछ एटी खाली से फॉर्मेट टाइम को जानिबार अछि एको मु कहली एटी एको मु कोन करछु व्हाइट कर दउछ एटी देन से सेलटा को मुझे ब्लाक करदेवि ब्लाक करदे जना पड़ जा जिनस ये कौन सुविधा हम जो कंट्रोल पी कर प्रिंट कला बेले ये मत शो कर देख मंथली बजेट गोटे टाइटल भाया देखा जानुरी 2005 रु जून 2005 गोटे सब टाइटल भाया देखा थीम हूँ यहाँ प्राक्टिकाल कला बेले यहाँ हूँ मेन थीम से देखे गोटे पिक्चर आड करके देन कौन कहला दे नेक्स्ट जी ये खाली ये एक्सेल क्वेश्चन पड़ी ना एक्सेल क्वेश्चन किसी फर्मुला फंक्शन देनी ये थीम कौन देती एडिटिंग थीम देती ओके टोटल द एक्सपेन्सेस आट द बॉटम ऑफ ईच मंथ राइट एक्सपेन्सेस टोटल करार अच्छे किसी ना खाली कौन कर सम नबार अच्छे सम नहीं एक्सपेन्स को सेव करदेवार अच्छे सब मंथर तो आम ये कौन करवा ट्रैक करदेबा बनीगला कौन कहला टोटाल इनकम एक्चुअल से टोटाल इनकम तौक खसी आसी देन पुट ए डार्क बॉर्डर अराउंड द एजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटर चारिपटे डार्क बॉर्डर आमको दबार अच्छे डॉक्यूमेंट मुझे सिलेक्ट करनि कंट्रोल ए करके काम भितर जब कौटी भी सेल सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करी जितकी काम होती को ही सिलेक्ट करके नब तो मुझे कौन करी बॉर्डर को जी ये बॉर्डर अच्छे ये मुझे कौन करी थिक आउटसाइड बॉर्डर गोटे देदेवि एवं आम कमी जानवा है ना कंट्रोल पी करके जापर देख है देखा ठीक लगुच एमती ही कम हुए आम आसवा क्या पाक हाँ तापर कहला चेंज द अमाउंट फॉर द गैसोलीन इन जून फ्रॉम 60 टू 70 डॉलर गैसोलीन कड़े गला एटा गैसोलीन राइट एटी 60 रु 70 डॉलर कहिछि एटी जून ता एटी मु 60 जगह कम कर देबे एटी 70 कर देबे 70 कर देले कोन होबो तळे टोटल टा भी चेंज हो जइबो ओके टोटल टा भी चेंज हो गला देन फिगर आउट द एवरेज ऑफ फॉर ईच रो यू मस्ट नो द फार्मूला ऑन योर ओन एटी कहला एवरेज तमे निजे फार्मूला जानिथिबो एटी मु कहिबेनि से फार्मूला मु इक्वल टू करूछि एवरेज करी ब्राकेट लगेली मत के आवरेज दरकार ये टोटाल आवरेज दरकार रईट मुझ ब्राकेट एंड करुच्ची आवरेज बाहर ये 750 सब गुड़ा अच्छी उपटा सब 750 अच्छी आंसर रे टोटाल आवरेज दरकार ना है 750 ही अच्छी ओके बुझेल रईट तापर आम आसवे कौन सेंटर एंड बोल्ड द हेडिंग मंथ एंड आवरेज ओके मंथ एंड आवरेज को आमको सेंटर आ बोल्ड करिया पड़ो एटा राइट मंथ क्या क्या कहला मंथ एंड आवरेज को राइट देखो क्या कहली कंट्रोल बी करदेली सेंटर टिके करदेवी मझी को आनी पकेली राइट मझी को आसीगला ये देन कौन कौच चेंज द फॉन्ट टू द एरियल ऑन द हेडिंग्स राइट हाँ या कही कौन एरियल करने एरियल हो गला बोल्ड द हेडिंग इन कलम ए रे हेडिंग को बोल्ड करने कही तो यहाँ कलम ए ना हाँ कलम ए रुड़ा हेडिंग ना एगुड़ा सब कलम ए रेडिंग गुड़ा क्या या बेसीस सब बनी राइट देन कहला कौन चेंज द फॉन्ट टू एरियल मैंने से गोटे फॉर्मेट बनई सब गुड़ाक फॉर्मेट बनई मुझे कौन करी एगे एरियल बनई देवी एरियल बनईदेली बनीगला तो टे हाँ टे सटिंग आम कर भलसे देखा जागला देन आउ कौन कहला आड ए हेडर विथ योर नेम पीरियड एंड क्वेश्चन नंबर ये कौन करें इनसर्ट को जी इनसर्ट को जाए टेक्स्ट को जी टेक्स्ट ये हेडर आम एड कर हेडर एंड फुटर है हेडर आम कौन करी कौन कहला मतलब हेडर एड करने नेम पीरियड एंड क्वेश्चन नंबर ये किसी मुझे नेम पीरियड लिखुनि क्या ना लिखुनि बाकी से निजे निजर लिखार अच्छे मो ना लिखिद पीरियड हूँ 3 to 4 PM जदि हो रोल नंबर लिखी हो रोल नंबर ओके तापर ये बाहर केमती जी राइट बाहर को जीवा जब मुझे चाहूँ तेल मुझे नॉर्मल पेज को व्यू को पलि जी ओके ये शो करनी किसी कि कंट्रोल पी जिते मुझे करी प्रिंट कराया चाहूँ ये शो कर देखा मो ना उपर आसला राइट जदि जूम करा चाहे जूम हो कि हाँ जूम होमती हिं हम कमटा देखा सुंदर देखा कम गोटे एमती हिं हम ओरिजिनल कम ये जूनियर असिस्टेंट रम
प्राक्टिकल काम भाया दिखाई है किसी ये एपट है नहीं देन प्रिंट करने कही देती दैट्स ऑल प्रिंट करने जोड़ा कही सी से प्रिंट करेंगे आपको आम सेव कर ना रईट मुझे सेव कर नौ सेवास कंट्रोल एस करके भी मुझे कंट्रोल एस करके मुझे कौन करुँ हाँ ये मुझे डेस्कटप सेव करी क्वेश्चन नंबर एटा थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री सेव हो गया एबे आम जा तीन नंबर क्वेश्चन सरला एबे चार नंबर क्वेश्चन को जी यूजिंग एम एस एक्सेस क्रिएटेड डाटाबेस फाइल व्हिच विल रिक्वायर यू टू क्रिएट वन टेबल वन क्वेरी वन फॉर्म वन रिपोर्ट चार जिन पूरा बेसिक जैसे जिन तेज आम कौन करवा एम एस एक्सेस को आसो एम एस एक्सेस सर्च कल आसली एक्सेस आसो हाँ 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 स्टार्ट पूरा सिस्टम गरम हो गला बैकेंड्रे गुड़ाए कम चली अन हो जाऊ देखा हाँ आसीगल एटा डॉक्यूमेंट एमती आसो ब्लैंक डॉक्यूमेंट को आसवा से डाटाबेस नाम यूँ ही चेंज करदे कहीं ये बाट जा रहा चेंज कला भाया ये आम क्वेश्चन नंबर फोर देदेव क्वेश्चन नंबर फोर देखिए स्टार्ट करवा एक्जाम किसी न कही आम जमी चाहिए सेमती कर इंस्ट्रक्शन यूजुअली देदेव है इंस्ट्रक्शन देदेव तो क्वेश्चन कौन कहला फास्ट क्वेश्चन कहला हाँ क्वेरी वन फॉर्म वन रिपोर्ट क्रिएट ए टेबुल कस्टमर कस्टमर कहीं गोटे टेबुल क्रिएट करेंगे तो किसी दरकार नहीं एक्सेस फाइल हाँ ये कितने मुझे से कहे टेबुल ना कौन दबा मुझेदेव यही आम चेंज करना कस्टमर्स टेबुल सेट हो देन क्रिएट द फील्ड नेम एंड देयर प्रॉपर्टीज एज यू नीड टू स्टोर योर स्पेसिफिक डाटा फॉर योर कस्टमर्स तुम निज हिसाब से तुम कस्टमर डाटा एंट्री कर यू विल हैव एटलीस्ट फाइव कस्टमर्स विथ देयर इनफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन देयर कस्टमर टेबुल ठीक अच्छे एवं से देला फील्ड नेम ओनली फील्ड नेम दे डाटा टाइप से देनी तो आम आम फिल्ड नेम हिसाब से करवा सी कस्टमर आई डीटा को तुमको सी आई डी हिसाब से लिखा अच्छे ओके मैं सी आई डी लिखी आ सी आई डी टा को मत प्राइमरी की प्राइमरी की तो फिक्स हो गला सी आई डी प्राइमरी की फिक्स हो गला देन सी आई डी पर कौन कही सी आई डी पर कही कौन एफ नेम आउ एल नेम एफ नेम एल नेम मु लास्ट चेंज करी उपरटा को लास्ट चेंज करी कहीं फर्माट्रे आम चेंज कर एफ नेम एल नेम हो गला एफ नेम एल नेम पर कौन दे सिटी आउ स्टेट दे राइट सिटी स्टेट देला पी नंबर देला पी नंबर पर कौन दौर पी टोटल पी लास्ट टी बड़ दे डाटाटा ये डाटा दबा कथा नुह तो ये कौन है डेट ऑफ लास्ट परचेज पी लास्ट डेट ऑफ लास्ट परचेज ता माने डेट हम डेट एंड टाइम हम पी टोटल टोटल अमाउंट माने नंबर हम करेन्सी भी हो पार ओके करेन्सी में करदेव यहाँ पी नंबर कौन दूसरी पी नंबर होती नंबर ऑफ परचेज कौन रहा नंबर हम पाँचटा कि छटा कितना किणी स्टेट कौन हम सर्ट टेक्स्ट हम सिटी सर्ट टेक्स्ट हम लास्ट नेम सर्ट टेक्स्ट हम फास्ट नेम सर्ट टेक्स्ट राइट कस्टमर आई डीटा कौन रही है किसी प्रकार ऑटो नंबर ऑटो नंबर भी आम नहीं पार ऑटो नंबर छाड़ देवा एवं आम आसवा डाटा एंट्री करने आसवा सेव करदे ये सेव करदे डाटा एंट्री आसवा राइट तो ये ऑटोमेटिक से नंबर पड़ शंभु शंभुनाथ सी टी बीबीएसआर हाँ पड़गल ठीक है सर्ट टेक्स तो पढ़ुँच स्टेट आसो ओडिशा राइट एटा आम परचेज नंबर दस है मन अच्छे आड कर टोटल पे टोटल के शहे डॉलर राइट परचेज डेट आम कही डेट्रे कौन बास सेमती रघुनंदन ओके हाँ डाटा आसवा एक्सेस तुम देख वीडियो देखो तब बुझीपर है झारखंड झारखंड आसला बार राइट बार शहे कोड़े डाटा आम किसी गोटे पकईदे पाँचटा डाटा सेट हो कम कम्प्लीट आउ किसी टेनसन ना रईट ओके किसी भी एड करा पड़ा मुंड तो एमती हम मैंने ए बी सी डी यूजुअली एड करदे ना गोटे बेटर देखा जाए एमती ही रखार अच्छे ओके डाटा के समय लगे डाटा एड करने गोटे मिनट बोधे लगे फटाफट फटाफट जब डाटा जाथ डाटा टाइप जाथ्वा आमको गोटे मिनट लगे तीन नंबर गल चार नंबर आसवा सुंदर डाटा एडला लास्ट डाटा एटा
ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଲାଷ୍ଟ ଡାଟା କିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲି, ପାଞ୍ଚଟା ଡାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ପାଞ୍ଚଟା ଡାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି କ୍ରିଏଟ୍ ଏ କ୍ୱେରି ଏନ୍ ୱାଇ କଷ୍ଟମର। ଚାଲ ଗୋଟେ କ୍ୱେରି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, କିଛି କହୁଛି କି କ୍ରିଏଟ୍ ଏ କ୍ୱେରି ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଓନ୍ଲି ଏନ୍ ୱାଇ କଷ୍ଟମର ସର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଇନ୍ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ର। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେରି ଆମକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଏନ୍ ୱାଇ କଷ୍ଟମର ସର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍, ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ହିସାବରେ ସେ ସର୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ରରେ। କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ସେକ୍ସନ୍ଟା ହେଇଥିବ ଆମର ଇଏରେ, ମାନେ ଡାଟା ସବୁ ରହିବ, ସେ କେବଳ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ଟା ଡିସେଣ୍ଡ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ର ସେଟ୍ ହେବ, ମାନେ ଆସେଣ୍ଡିଂ ମାନେ ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ ହିସାବରେ ସେଟ୍ ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେରି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି, କ୍ରିଏଟ୍କୁ ଯିବି, କ୍ରିଏଟ୍କୁ ଯାଇକି କ୍ୱେରି ୱିଜାର୍ଡ଼କୁ ଯିବି, କ୍ୱେରି ୱିଜାର୍ଡ଼ରେ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେରି ୱିଜାର୍ଡ଼, ସବୁ ଦକ ମୋତେ ଏଠି ନେବାର ଅଛି, ରାଇଟ୍, ସବୁ ଦକ ମୁଁ ଏଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲି ଏଠି, ଓକେ, ଫିନିଶ। ଫିନିଶ କରିକି ଏଠି ମୋତେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ଟାକୁ ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ କରିଦେବାର ଅଛି, ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କଷ୍ଟମର କ୍ୱେରି ହେବା କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ତା ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ତା ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି କ'ଣ ହେବ, ଏନ୍ ୱାଇ କଷ୍ଟମର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବି, ଏବେ ଏଠି ଆକୁ କ'ଣ କରିବି, ରିନେମ୍ କରିବି, ଏନ୍ ୱାଇ କଷ୍ଟମର ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଏନ୍ ୱାଇ କଷ୍ଟମର ରିପୋର୍ଟ, ଚାଲ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ଏଠି ଫର୍ମ ଗଲା, ଏଇଟା ରିପୋର୍ଟ ହେଲା, ଏଠି ରିନେମ୍ କରିପାରିବା ଆମେ, ଏବେ ଆକୁ ସେଭ୍ କରିଦେବା ଆଗ, ତାପରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଏନ୍ ୱାଇ କଷ୍ଟମର ରିପୋର୍ଟ। ସେଇଠି ସେଇଠି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ହେଇଯିବ ସେଭ୍, ହେଲା ରିପୋର୍ଟ ବନେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା, ହଁ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ଫର୍ମ ନ୍ୟୁ କଷ୍ଟମର୍ସ, ଫର୍ମ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା, କେଉଁଟା କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ କାଇଁ ଫର୍ମ ୱିଜାର୍ଡ ତ, ଫର୍ମଟାକୁ କହିଛି ତ, ଫର୍ମ ଏବେ ବନା ହେବ ତାହେଲେ, ହଁ କରିବା, ହଁ 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 କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ଫର୍ମ ଫର୍ ଦ କଷ୍ଟମର୍ସ ଟେବୁଲ୍, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଅଲ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ, ୟୁଜ୍ ଦ ଫର୍ମ ୱିଜାର୍ଡ, ୟୁଜ୍ ଦ ଫର୍ମ ୱିଜାର୍ଡ଼ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ଫର୍ମ ୟୁଜିଂ ଦ ନ୍ୟୁ କଷ୍ଟମର୍ ଫର୍ମ, ଏଣ୍ଟର୍ ଏନି ଆର୍ବିଟରୀ ଟୁ ଆଡିସନାଲ୍ କଷ୍ଟମର। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଏଠି ଆମେ ଫର୍ମର ଫର୍ମ ୱିଜାର୍ଡ଼କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଏଠି କରିପାରିବା, ରାଇଟ୍, ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନେବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଆମେ ନେବାକୁ ଏଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍, ଫର୍ମ ୱିଜାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ, ରାଇଟ୍, ବନିଗଲା ଫର୍ମ ୱିଜାର୍ଡ଼ରେ, ଏଠି ଆମେ ବନିବାର ଥିଲା ଏତିକି, ଦେଖିବା ଏବେ କରିଦେବା, ହେଲା ରିନେମ୍ରେ କ'ଣ ହବାର ଥିଲା, ଆମ ରିନେମ୍ ସେଭ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ସେଭ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ତ ଫର୍ମ ବନିଲା ନା, ଫର୍ମ ମୁଁ କାଟିଦେଉଛି, ଫର୍ମ ଏଇଟା ବନେଇଛି, ୟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ରିନେମ୍ କରିଦେବି ଏବେ। ଏଠି କ'ଣ କହିଛି, ନ୍ୟୁ କଷ୍ଟମର୍ସ, ସେଭ୍ ପରେ ମେ ବି ସୋ କରିବ, ଆକୁ ଦେଖିଦେବା, ହେଲା ସେଭ୍ ପରେ ମେ ବି ସୋ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବନିଗଲା। ଏବେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, କ୍ରିଏଟ୍ ଫର୍ମ ଫର୍ ଦ କଷ୍ଟମର୍ସ ଟେବୁଲ୍, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଅଲ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ, ହେଇଗଲା, ୟୁଜ୍ ଦ ଫର୍ମ ୱିଜାର୍ଡ଼ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ଫର୍ମ, ଅଭିଅସ୍ କଥା ଆଗ ଫର୍ମ ୱିଜାର୍ଡ଼ କହିବା କଥା, ତା ପାଖ କଥା ସବୁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଫର୍ମରେ ୟୁଜ୍ କର, ଓଲ୍ଟା ହେବା କଥା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ୟୁଜିଂ ଦ ନ୍ୟୁ କଷ୍ଟମର୍ ଫର୍ମ, ଏଣ୍ଟର୍ ଏନି ଆର୍ବିଟରୀ ଟୁ ଆଡିସନାଲ୍ କଷ୍ଟମର୍ସ, ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି ହେବ, ଲାଷ୍ଟ ଏଇଠି ହେବ, ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ ଆମେ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା। ଆମେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, କିଛି କଲ ଏଠି ସାମ ପିଟ୍ରୋଡ଼ା, ସାମ ପିଟ୍ରୋଡ଼ା କିଏ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକ ବନେଇଦେବା, ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କି, ଆଚ୍ଛା ଏଛାଡ଼ା ପରଚେଜ ନମ୍ବର କେତେ, 45 କରିଦେଲେ ଆମେ 45, ଦୁଇଟା ଡାଟା କହିଛି ନା, ତ ଦୁଇଟା ଡାଟା ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା। ଏଠି ମୁଁ $15 ଓକେ, ହଁ ତାପରେ ଆସିଲା ପରଚେଜ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଆଉ, ହେଲା 6 ନମ୍ବର ଆଡ଼୍ ହେଲା, ଏବେ 7 ନମ୍ବର ଆଡ଼୍ କରିବି, 7 ନମ୍ବର ଆଡ଼୍ ହେଲା, 7 ନମ୍ବର ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିପାରିବି, ବିଶ୍ୱନାଥ ନନ୍ଦ ସିଟି ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ପରଚେଜ ନମ୍ବର କେତେ, 45, ପି ଟୋଟାଲ ମୁଁ କେତେ ପକେଇବି, 10 ପକାଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଏଇଟା ଆସିଗଲା, ହେଇଗଲା ଏଠି,
ଏତିକି ଫର୍ମାଟ୍ ବନିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠି ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରିଫ୍ରେଶ୍ ଅଲ୍, ରିଫ୍ରେଶ୍ ଅଲ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସାତଟା ଡାଟା ହେଇଗଲା, ଏଠି ସାତଟା ଡାଟା ସୋ କରୁଛି, ସେଭେନ୍ ଡାଟାସ୍। ଓକେ, ସେଭେନ୍ ଡାଟାରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର ଡାଟା। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚଟା ଡାଟା ଅଛି, ହେଇନି, ତ ମୁଁ ଏବେ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିଦେବି ଥରେ। ସାତଟା ଡାଟା ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ଓକେ, ସେଭେନ୍ ଡାଟା ହେଇଗଲା। ଏଠି ବି ସେମିତି କେତେ ସାତଟା ଡାଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ସେଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ବନେଇଥିଲା। ରାଇଟ୍, ଏଠି ବି ସେଭେନ୍ ଡାଟା ଅଛି, ଏଠି କେତେଟା ଡାଟା ଅଛି, ପାଞ୍ଚଟା ଡାଟା ଅଛି। ଆକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆକୁ ବି ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିଦେବି। ସେଭେନ୍ 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 ସବୁ ଡାଟା ହେଇଗଲା, ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ମାଣ୍ଡେଟରୀ। ସେଭ୍ ନ ହେଇଥିଲେ ଜିନିଷ ନବନି। ଓକେ, ୟେସ୍, ସେଟା ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ହବନି, ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥାଏ, ଅପଡେଟ୍ ଅପସନ୍ ଥାଏ, ଅପଡେଟ୍ ଅପସନ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ କରେଇ ପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ସେଭେନ୍ର ଫର୍ମାଟ୍ ହିସାବରେ ଅଛି, ମୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଟେନ୍ର। ଓକେ, ତ ଚାରିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କଲେ, 40 ମାର୍କର ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବେସ୍ଡର ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆକୁ ହବ ଯଦି କେତେବେଳେ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ କରେଇ ନେବି। ଆଇ ହୋପ୍ ଏଇ 40 ମାର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ହଁ ଆଉ କିଛି ଜଣେଇବାର ଅଛି, ତାକୁ ବି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣେଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଟେକ୍ କେୟାର।